भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना कहा जाता है सावन का महीना। जब ये महीना आता है तो इसमें भगवान शिव के जितने भी भक्त होते हैं उनको जलाभिषेक करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में लंबे लंबे कतार में लाइन लगाते हैं, यहाँ तक कि कांवड़ यात्रा भी लेकर निकल पड़ते हैं अपने घर से। कई सौ किलोमीटर के दूर सफ़र का वो पूरा सफ़र अपना समाप्त करके बाबा धाम पहुँचते हैं। शिव नगरी जिसको कहा जाता है, देवघर कहा जाता है, देवनगरी कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचते हैं एकमात्र भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए। आपको इसी बीच बताते चले कि जहां पर शासन और प्रशासन कांवड़ियों के लिए लगातार नए नए नियम निकालते कि कहीं से भी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कहीं से भी कोई भी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बीच अगर कांवड़ियों की बात कही जाए तो कांवड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पिछले 5 से 6 दिन से कांवड़िए उत्पाद मचाए हुए हैं, उपद्रव मचाए हुए हैं चारों तरफ। अगर किसी की भी गाड़ी उनसे टच हो जा रही है या फिर कांवड़ जो जल है वो किसी वस्तु से अगर टच हो जा रहा है तो उसको लेकर वो मार पीट तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बीते 1 से 2 दिन पहले गाजियाबाद से आ रहा है, मुजफ्फरनगर से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है। लगातार ऐसे कई राज्य और जिले हैं जहां पर कांवड़िए उपद्रव मचाना शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि एक ढाबे से भी आ रहा है जहां पर बिहार के छपरा जिले में ढाबे में भी तोड़ फोड़ की गई है और हंगामा मचाया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति कार लेकर जा रहा था, कार से गुजर रहा था, वहां पर एक कांवड़िए से उसका गाड़ी टच हो गया। हालांकि किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कांवड़ियों का ये कहना है कि कांवड़ टूट गया है, जिसके चलते वो लोग क्या किए कि उस व्यक्ति का जितना भी गाड़ी था, जो कार था, उसको डंडे के सहारे मार कर पीट कर ताबड़तोड़ ग्रुप वाइज जितने भी कांवड़िए थे तोड़ दिए हैं। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि आपको हम ये भी बता दें कि जब वो लोग गाड़ी को तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं उसके बाद से अंत में गाड़ी को पूरी तरीके से पलट भी दे रहे हैं, जिससे कि बाद में देखकर ये लग रहा है कि गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद से वो सड़क पर इस हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अगर शासन और प्रशासन की बात कही जाए, पुलिस व्यवस्था की बात कही जाए, तो पुलिस जब भी ऐसे उपद्रव हो रहे हैं कांवड़ियों द्वारा तो वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मामले को शांत करा रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा शांत करवा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जहां एक तरफ कांवड़ियों के लिए लगातार रूल्स और नियम निकलते हैं कि उन्हें दिक्कत और परेशानी ना हो यात्रा के दौरान, वहां वो कांवड़िए लगातार तोड़ और फोड़ कर रहे हैं। ये भक्ति को भी चकनाचूर कर रहा है एक तरफ, और एक तरफ लोगों की आस्था को भी तोड़ रहा है। ढाबे की बात कही जाए तो ढाबे में लहसुन प्याज ना डालने को लेकर भी बवाल मचा छपरा जिले में। मुजफ्फरनगर में एक ई रिक्शा को लेकर मामला चल रहा है कि ई रिक्शे वाले को लगातार वो लोग पीटे। तो कांवड़िए जगह जगह इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं। एक आस्था का जो केंद्र है, भगवान की जो भक्ति है, वो तो टूटी रही है, चकनाचूर हो ही रही है, लेकिन शासन और प्रशासन जो नियम और कानून लागू करते हैं कांवड़ियों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं धाराशाही होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि शासन और प्रशासन इन कांवड़ियों के प्रति कब एक्शन लेते हैं। क्या ये भक्ति करने जा रहे हैं तो उनके प्रति कोई एक्शन नहीं लेना लाजमी है? क्या ये भक्ति के आड़ में किसी को कुछ भी कर देंगे? सवाल ये उठ रहा है। देखना ये है कि शासन और प्रशासन इन कांवड़ियों के प्रति कब एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV24 लखनऊ।